हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू द इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम। मीन्स स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कौन से स्केलेटल सिस्टम में कितनी कितनी बोन्स होती है। सो दैट्स एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम, मतलब स्केलेटल सिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो स्केलेटल सिस्टम में डेफिनेशन अगर आप बोलो तो स्केलेटल सिस्टम इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ प्रोवाइड अ सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मतलब ये अपनी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या होता है स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज से बनी हुई बोन से एक फॉर्म होता है, जिसे अपन बोलेंगे सिंपली स्केलेटन सिस्टम। अब यहाँ पे आपको दो टाइप से स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। नंबर वन, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम एंड एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है ये सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम? क्लियर है? अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 26 बोन मिलती है अपन को। क्लियर है? मतलब अपन को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 26 बोन मिलेगी। ये 26 बोन कौन कौन सी होती है अपन देखते हैं स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो ये अपना पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोन की बात करूँ तो स्केलेटन सिस्टम ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो बोन नंबर वन इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में, बोन नंबर वन कौन सी? क्लेविकल बोन। ये आपको दिखाई दे रही है, ये अपनी क्लेविकल बोन और कॉलर बोन, इसको अपन बोलते हैं जो कि अपन कॉलर में होती है, मतलब अपर ग्रिडल में। इसको अपर ग्रिडल बोन बोलेंगे अपन, इसका नाम है क्लेविकल। क्लेविकल कितनी है अपने पास? एक एक क्लेविकल है इधर साइड, एक क्लेविकल है अपनी ये सिंपली इधर की साइड। ठीक है, तो टोटल दो क्लेविकल है अपने पास है। ठीक है, तो दो बोन अपनी हो चुकी है, क्लेविकल वन क्लेविकल टू। अपन केवल एक हैंड की बात करेंगे, एक हैंड से अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो एक हैंड में अपन सबसे पहली बोन आती है अपनी क्लेविकल बोन। उसके बाद जस्ट क्लेविकल से जुड़ी हुई अपर ग्रिडल में एक और है ये वाली बोन, इसको क्या अपन बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्कैपुला। स्कैपुला बोन अपन इसको बोलते हैं। ये सिंपली ट्रांसपेरेंट होती है। जब अपन को ओरिजिनल बोन को जब अपन धूप में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट फील होता है। ये कौन सी बोन हुई अपनी? ये वाली है मेरी कौन सी, इसको बोलूंगा मैं सिंपली स्कैपुला बोन। ठीक है, ये अपनी क्लेविकल है, ये अपनी स्कैपुला है। स्कैपुला के अगर मैं नीचे जाऊंगा तो स्कैपुला से जस्ट लगी हुई बोन है मेरी कौन सी? ह्यूमरस बोन। ये वाली बोन को मैंने क्या बोला सिंपली? ये मेरी है ह्यूमरस बोन, जिसके बस टू एंड है, अपर साइड और लोअर साइड। यहाँ पे जो जॉइंट बनाएगी ये कौन सा जॉइंट बनाएगी? ये जॉइंट बनाएगी मेरा सिंपली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो तीन बोन मेरी हो चुकी है, क्लेविकल सबसे पहली, क्लेविकल मेरी, स्कैपुला और ह्यूमरस। अब ह्यूमरस से लगी हुई जस्ट नीचे की साइड दो बोन होती है मेरी। ठीक है, एक होती है मेरी रेडियस, दूसरी मेरी होती है अल्ना। रेडियस अल्ने का आप कैसे पता लगाओगे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है? तो रेडियस वाली जो बोन है वो सिंपली मेरे अंगूठे की साइड होगी। आप देखिए, आपका जिस साइड अंगूठा रहेगा, थंब रहेगा, थंब की साइड आपकी कौन सी बोन रहेगी? सिंपली ये वाली रेडियस बोन रहेगी। और अल्ना जस्ट उसके साइड, मतलब स्मॉल फिंगर साइड, चीटी उंगली की साइड कौन सी बोन रहेगी मेरी? मेरी रहेगी यहाँ पे मेरी रेडियस अल्ना। ठीक है, रेडियस अल्ना की जस्ट नीचे की अगर साइड में देखूं तो नीचे की साइड में को आठ बोन दिखाई देगी। इनको मैं बोलूँगा कार्पस बोन। वन टू, छोटी छोटी बोन है ये इधर की साइड, वन टू देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यहाँ पे जो मेरी ये बोन दिखाई दे रही है ये वाली छोटी छोटी बोन, इनको सिंपली मैं बोलूँगा कार्पस बोन। कार्पस बोन के जस्ट मैं नीचे की साइड देखूँगा तो कार्पस बोन के नीचे की साइड मुझे दिखाई देगा वन टू थ्री फोर फाइव बोन। इन फाइव बोन को मैंने बोला मेटाकार्पस बोन, जो कि कार्पस बोन से जस्ट जुड़ी हुई है, तो मैंने इनको क्या बोला? मेटाकार्पस बोन। वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव मेरी कौन सी है? मेटाकार्पस बोन है। और आठ मेरी कितनी है? आठ मेरी होती है कार्पस बोन। ठीक है, तो फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव बोन मेरी मेटाकार्पस है। मेटाकार्पस से जुड़ी होती है मेरी फेलेंजियस। तो फेलेंजियस कितनी होती है? टोटल 14 बोन होती है, मतलब 14। वन टू टू थ्री, मतलब टोटल मेरी कितनी बोन है? 14 बोन है ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, टोटल कितनी? 14 बोन है ये मेरी जस्ट जुड़ी हुई है। फेलेंजियस किससे जुड़ी होती है अपनी? फेलेंजियस जुड़ी होगी मेरी मेटाकार्पस से। ठीक है, तो जितनी बोन इस वाले हैंड में एग्जैक्टली
सेम बोन की क्वांटिटी नंबर सेम इस वाले बोन हाई एंड में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अपनी क्लेविकल है, ये आप देखो यहाँ पे भी अपनी क्लेविकल दिखाई दे रही है, स्कैपुला दिखाई दे रही है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। उसके नीचे आएंगे रेडियस अल्ना के नीचे तो कार्पस बोन, कार्पस बोन से जस्ट जुड़ी हुई रहती है फाइव बोन, कौन सी, मेटा कार्पस बोन। देन उसके आगे अंगलियों में रहती है मेरी फेलेंजियस बोन, क्लियर है। तो ये हुआ मेरा अपर लिम। अब बात करता हूँ आपसे लोअर लिम के। अपर मतलब कि क्या, ऊपर की साइड। इन्हें क्या बोला था मैंने, क्लेविकल और स्कैपुला को सिंपली मैंने बोला था ये है अपनी कौन सी बोन होती है, ये अपनी अपर ग्रिडल। अब लोअर ग्रिडल की बात करो, लोअर ग्रिडल में मेरी दो पेल्विक ग्रिडल आती है, वन टू, ये है मेरी लोअर ग्रिडल बोन, ठीक है। लोअर ग्रिडल बोन कितनी होती है, दो होती है, ठीक है, जिन्हें पेल्विक बोन में बोलूँगा। पेल्विक बोन यहाँ पे अपना सिंपली पेल्विक जॉइंट बनाएगी, ठीक है, पेल्विस। अब मैंने इसके नीचे देखूँगा तो जस्ट सबसे मजबूत और बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, बोन्स होती है कौन सी, सिंपली फीमर। फीमर जो कि बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। तो दोनों पैरों में कितनी फीमर प्रेजेंट है, वन और टू, दो फीमर मेरी होगी। ये कौन किसके अंडर आ रहा है, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंडर आएगी, ठीक है। तो ये होती है फीमर। फीमर के नीचे जस्ट जुड़ी हुई कौन सी बोन है मेरी, ये वाली, किस ये वाली बोन को अपन क्या बोलेंगे, सिंपली टिबिया एंड फिबुला। टिबिया थोड़ी सी मोटी रहेगी और फिबुला हल्की सी मेरी, टिबिया पतली रहेगी, फिबुला सॉरी पतली रहेगी। टिबिया मोटी होती है और फिबुला पतली होती है, क्लियर है। टिबिया मोटी होगी, फिबुला पतली होगी, तो दो बोन यहाँ पे आती है, टिबिया एंड फिबुला। और जो बीच में आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको सिंपली बोलूँगा पेटेला, ठीक है, क्या बोलूँगा, पेटेला। प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। पेटेला आप बोल सकते हो, पेटेला पटेला जो भी आप यूज़ करना चाहो। तो ये वाले दोनों पैर में एक एक पेटेला प्रेजेंट होंगे, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में दोनों, ये एक पेटेला ये है, एक पेटेला ये है, और पेटेला से जुड़ी हुई है मेरी कौन सी, टिबिया। टिबिया मोटी होती है, फिबुला पतली होगी, क्लियर है। टिबिया फिबुला के बाद जस्ट अगर अपन नीचे की साइड आए और यहाँ पर देखेंगे तो अपन को यहाँ पर सेवन बोन दिखाई देगी टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इनको क्या बोलूँगा, टार्सल बोन। हाथों में कौन सी प्रेजेंट थी, ये वाली, हाथों में सिंपली मेरी थी कार्पस बोन और पैरों में कौन सी है मेरी, टार्सल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाली बोनों को मैंने क्या बोला, टार्सल बोन बोला, ये वाली बोन्स को, ये मेरी टार्सल बोन है। टार्सल बोन से जस्ट जुड़ी हुई पाँच बोनें मिलेगी मुझे, वन टू थ्री फोर फाइव। इन बोन को मैं क्या बोलूँगा, ये होगी मेरी मेटाटार्सल। ऊपर मेरी कार्पस थी तो मैंने मेटाकार्पस जोड़ दिया था, अब नीचे मेरी टार्सल बोन है तो इनमें मैंने जोड़ दिया मेटाटार्सल। मेटाटार्सल से जस्ट जुड़ी होती है मेरी फेलेंजियस, ठीक है, इनको सिंपली फेलेंजियस बोलूँगा। फेलेंजियस कितनी होती है, फेलेंजियस टोटल 14 बोन मेरी फेलेंजियस होगी। तो 14 इस पैर में, तो 14 ही इस पैर में होती है, दोनों पैरों में एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी रहती है बोन्स की, ठीक है। तो ये मेरा हुआ अपेंडिकुलर सिस्टम कंप्लीट, अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक बार और अगर मैं आपको रिवाइज करूँ तो सबसे पहले ऊपर की साइड अपर ग्रिडल में मेरी यहाँ पर दो बोन मिलेगी, ठीक है, पहली है क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, देन अल्ना। रेडियस अल्ना दो है मेरी, एक रेडियस एक अल्ना। उसके बाद कार्पस बोन, कार्पस बोन के हैंडों में कितनी बोन होती है, दो टाइप से बोन, तीन चार टाइप की बोन मेरी मिलेगी। एक मेरी मिलेगी कार्पल बोन, कार्पल बोन के बाद मेटाकार्पस, देन फेले